अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त का खट्टा सालन, जिसके लिए गोश्त ली हूँ मैं 100 ग्राम। तेल है 3 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टी स्पून, नमक हसब ज़रूरत, प्याज है 3 बड़े साइज़ के, टमाटे हैं 3 बड़े साइज़ के। अरवी ली हूँ मैं, एक 3-4 अरवी है, उसको बड़े हैं तो इसको बीच में से काट ली, इसे छील के। कोतमीर है 2 कट्टे छोटे, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, इमली है ये, इसे धो के भिगा के रख ली। इमली आपको जितना खट्टा होना चाहिए, जितना शेरवा खट्टा रहना चाहिए, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। गोश्त धो के डाल दी हूँ मैं, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, तेल डाल के अब हम इसमें आधी गिलास पानी डाल के 3 सीटी होने के लिए रखेंगे, ज़्यादा गलाना नहीं। फिर उसके बाद हम टमाटे डालते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा गोश्त को पहले से गला दी तो बाद में फिर और गल जाता। कोतमीर डालेंगे, कोतमीर डाल के हम कुकर चढ़ा देंगे 3 सीटी होने तक। ये देखिए प्याज अच्छे से गल गई, अब हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे फिर टमाटे डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटे डालेंगे, ये अरवियों को मैं स्टील के कटोरे में रख रही हूँ। ये देखिए जब हम टमाटे डाल लें, उसके ज़रा भी पानी नहीं है इसमें, बिल्कुल थोड़ा, एक आधी गिलास से भी कम हम इसमें पानी डालेंगे, डाल के ये देखिए मिला के, और जो अरवी हम कटोरे में निकाल के रखे थे वो हम इसमें डाल के फिर से कुकर लगाएंगे। टमाटे भी अच्छे सॉफ्ट हो गए, बस एक 3 सीटी आने के लिए रखी मैं। 3 सीटी में टमाटे भी गल गए, पानी भी बस थोड़ा सा डाली थी मैं, 1/2 गिलास इतना, पहले 1/2 गिलास डाली थी, फिर अब टमाटे का पानी भी इसमें छूटता, देखिए। और ये अरवी जो है ये भी गल गई, आप देख सकते हैं, अच्छा गल गई, अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देख लिए अच्छा भुने गया सब टमाटे वमाटे सब। अब हम इसमें अरवी डाल देंगे, अरवी टमाटे सब पक चुके हैं पहले से। अब हम इसमें इमली का खट्टा डालेंगे, ये देखिए बहुत गाढ़ा है। अब हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे, तरह से साइड से पानी हम डालते हुए, आप चाहे तो खुले बर्तन में बड़े भगोने में भी निकाल सकते हैं, मैं बस यही कुकर में बना रही हूँ। अभी भी गाढ़ा है ये, थोड़ा पानी और, ये बराबर है। अब हम इसमें कोतमीर डालेंगे, हरी मिर्चों को बीच में से कट लगा के डाली में कोतमीर डाल के। अब हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख के फिर लो फ्लेम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए अरवी का शेरवा बन के तैयार है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अरवी को मैं साथ ही कुकर में इसलिए डाली, कटोरे में डाल के जल्दी गल जाता, नहीं तो उसको अलग गलाने के लिए थोड़ा टाइम लगता। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। अल्लाह हाफिज़।